गाइज, बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के अभी भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात की खुशी है कि बहुत सारे स्टेट से अब अच्छी चीज़ें निकल करके आ रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आ रही हैं। कल एक अपडेट आया था आंध्र प्रदेश से, जहाँ पे TDP जो अपोजिशन पार्टी है, तेलुगुदेशम पार्टी, उन्होंने आंध्र प्रदेश के क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स के लिए एक PIL कोर्ट में दाखिल करने का फैसला लिया है। क्लास 12th का क्या होगा, कन्फ्यूजन का माहौल है, लेकिन हम बार बार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई किसी भी हालत में क्लास 12 के बच्चों को भी रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें भी घर से एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम सेंटर में जाके देना है, और उनकी जान की भी वही कीमत है जो कि क्लास 9 वाले स्टूडेंट की होगी या 11 वाले स्टूडेंट की होगी या 10 वाले स्टूडेंट्स की है। लेकिन यहाँ पे CBSE का मसला ही कुछ और है। CBSE एक के बाद एक क्वेश्चन बैंक्स जो है वो जारी कर रहा है लगातार बिना रुके। मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th वाले जो क्वेश्चन बैंक हैं वो उन्होंने फर्स्ट पार्ट में जमा किया था, मतलब निकाला था बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। फिर कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि इंग्लिश कोर, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इको का आ गया। अब बहुत बच्चे, आज सुबह मैंने जिनको अपडेट दे दिया था कि भाई अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऑब्वियसली देख लीजिएगा, सुबह का वीडियो है जिसमें मैंने अपडेट दिया था कि CBSE ने नए क्वेश्चन बैंक्स को जारी कर दिया है, 3 सब्जेक्ट के नए क्वेश्चन बैंक क्लास 12। ठीक है, तो बच्चे कह रहे थे कि सर केमिस्ट्री का पेपर आप मुझे एक सेपरेट से करके दिखा दीजिए और उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चलिए हम बता देते हैं आपको, डायरेक्ट मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले जाऊंगा, ठीक है, यहां पर, और आपको मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, ठीक है, तो आप चाहे तो उसे भी कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, सिंपल प्रोसेस है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ, एक खास बात कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। हम लगातार कैंपेन चला रहे हैं, ना सिर्फ CBSE बोर्ड के लिए बल्कि ICSE एंड इवन अदर स्टेट बोर्ड्स एज वेल। तो बन रही है हमारे साथ में और चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज, ये आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं सीधा डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ। हम एक पहले ये ओपन कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट हम टाइप करेंगे, www.cbse। देखिए ये आ गया, cbse.gov.in। आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि पहले ये पुराना वेबसाइट था CBSE का, cbse.nic.in, जो कि बदल के gov.in हो चुका है। ठीक है, तो ये आप का यूजर इंटरफेस है, ये 4 ब्लॉक्स हैं जिसमें से एकेडमिक वेबसाइट में आपको जाना है। जैसे ही आप जाइएगा, आप क्लिक कीजिएगा, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहां पे देखिए ये है जहां पे जो मटेरियल्स होते हैं ना, क्वेश्चन बैंक वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह, सैंपल पेपर्स, ठीक है, सब कुछ यहां आपको मिलता है। तो कभी भी कुछ सर्च करना हो तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं यहां पे, मेरी जरूरत नहीं भी पड़ेगी आपको। बच्चों, पूरे साल आपने भी अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी मेहनत से पढ़ाई की होगी, लेकिन एंड में आपके एग्जाम्स कैंसिल हो गए, तो बच्चों निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लाया है वर्चुअल बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10th। इस एग्जाम में सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के पेपर्स रहेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट्स में। तो बच्चों, एग्जाम के टाइम टेबल कुछ इस तरह से रहेंगे, सोशल साइंस मई 1st को, मैथ्स 3rd ऑफ मई, इंग्लिश 5th ऑफ मई एंड साइंस मई 7th को रहेंगे। सबसे खास बात कि बच्चों, एग्जाम खत्म होने के ठीक 5 मिनट बाद अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लाएंगे एनालिसिस क्लास, जिसमें कि आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको सीख सकते हो। तो गाइज, इसमें आपको प्राइजेस भी हैं, इसमें आपके लिए रैंक 1st to 5th विल गेट 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, रैंक 6th to 10th विल गेट 1 मंथ सब्सक्रिप्शन। इतना ही नहीं, जो भी लर्नर इवन सिंगल टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उन सबको अनअकैडमी देगा ई सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेशन। तो बच्चों, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी आप डाउनलोड करो और फ्री एनरोल करो मेरे रेफरल कोड VishalKR से अनअकैडमी वर्चुअल बोर्ड्स 2021 के लिए। सो गाइज, हरी अप। देखिए यहां क्वेश्चन बैंक है क्लास 10 वालों के लिए, क्लास 12 वालों के लिए, तो हम क्लास 12 में जाते हैं। अब आप देख सकते हैं अभी तक CBSE क्वेश्चन बैंक जो है क्लास 12 वालों के लिए 12 सब्जेक्ट्स का निकाल चुकी है, जिसमें से सीरियल नंबर 5 तक, यानी कि सोशियोलॉजी तक जो है, यहां तक ये पहले निकाल चुके थे। ठीक है, फिर कुछ दिन पहले जो मैंने आपको अपडेट दिया था वो था 6 से लेकर के 9 तक, यानी कि इंग्लिश कोर, मैथ्स, अकाउंटेंसी और इको। और ये अब जो रिलीज हुआ है ये सबसे लेटेस्ट हम आपको बता रहे हैं, यूट्यूब में अभी शायद कोई नहीं आपको बताया होगा, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। अब ये अलग बात है कि CBSE एग्जाम कंडक्ट करवा पाएगी कि नहीं करवा पाएगी, ये तो अभी सवालिया घेरे में है, हम लोग पूरी जोर लगा के रखे हुए हैं। लेकिन फिलहाल आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर केमिस्ट्री सिर्फ आप करके दिखा दीजिएगा, तो मैं केमिस्ट्री आपके सामने में करके दिखा रहा हूं। राइट क्लिक कीजिए, ओपन लिंक इन न्यू विंडो, न्यू टैब, ओके। अब देखिए ये आ रहा है, ओके, अब आप देख सकते हैं यहां पे ये आ गया और हमने जैसे ही किया
ये है उसका पीडीएफ फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो हम इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, केमिस्ट्री 12 स्टार्ट डाउनलोड। एक सेकंड में आपका ये जो है क्वेश्चन पेपर देखिए यहां पे आ गया, केमिस्ट्री 12 क्लास 12। ये टोटल पेज है यहां पे 27 दिखा रहा है, ठीक है। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा वो यहां पे पूरी तरह से झलकेगा आपको, ठीक है। जैसे कि आपको पैसेज यहां दिया हुआ है उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस जो है वो देने हैं। एक खास बात ये है कि इनके आंसर्स भी यहां पे दिए हुए हैं, देख रहे हैं यहां पे आप आंसर दिया हुआ है यहां पे 1, 2, 3, 4, C, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पैसेज में जाओगे, आप पैसेज को किस तरह से डील करना है यहां आपको बहुत डिटेल्ड वे में बताया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम देखिए कुछ और आगे जाते हैं, यहां भी देखिए पैसेज और पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको सॉल्व करना है। तो मतलब काफी ज्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है क्लास ट्वेल्थ में या आएगा, ठीक है। और assertion रीजन वाले क्वेश्चंस यहां पे मौजूद हैं। तो गाइज ये आपका रहा क्वेश्चन बैंक जो कि सीबीएसई अंधाधुंध निकाल रहा है, पता नहीं एग्जाम वो कंडक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त कोविड के जिस तरह से केसेस आ रहे हैं वो बहुत ही काफी पीक पर है, मुश्किल है कह पाना, लेकिन हम लोगों ने पूरी जोर लगा के रखी हुई है, आपका सपोर्ट भी है हमारे पास में, गार्जियंस का सपोर्ट है, तो उम्मीद है कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाए और क्लास टेंथ की तरह आप लोगों को भी प्रमोट कर दिया जाए इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे या कुछ अदर क्राइटेरिया पे। तो होप फॉर द बेस्ट, लेकिन फिलहाल जो आपकी डिमांड थी ये आपके डिमांड पे बनाया हमने ये वीडियो। आई होप आपको ये काफी हेल्पफुल रहा होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और केमिस्ट्री का ये जो क्वेश्चन बैंक है ये पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में, जय हिंद जय भारत।